लड़ाई कर रही थी, तो प्रचंड जीत लेने के बावजूद भी आज भी वही एक दृश्य देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ही निर्भर करता है कि सांसद बनाएंगे या फिर सांसद की भी कुछ छवि होती है, सांसद का भी कुछ सोच होती है कि हमने अपनी लोकसभा के लिए क्या करना है। इस बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, जहाँ तक आदरणीय मोदी जी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, तो वैसा श्रेष्ठ नेतृत्व पहली बार अपने देश को मिला है हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, और उसमें उन्होंने जितनी अपेक्षाएं लोगों की आदरणीय मोदी जी से थी, उन अपेक्षाओं से आगे बढ़कर उन्होंने उन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाया। जहाँ तक विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय सांसदों की बात है, तो वे एक लंबी प्रक्रिया के तहत चुनकर आते हैं। पहले उनका चयन पार्टी के माध्यम से होता है, फिर जनता के माध्यम, मतदाताओं के माध्यम से होता है, और उसके बाद भी वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि ऐसा कोई विषय उठे, लेकिन हमारे पार्टी की ओर से भी मतलब समय समय पर ये ऐसे प्रोग्राम कर चलाए जाते हैं कि हमारा जो स्थानीय सांसद जो हमारे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी प्रकार से दिखाएं। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया जी, जनता की आप सेवा कैसे करेंगे, कैसे अपनी लोकसभा का चयन करेंगे, कैसे लोकसभा को आप देखना चाहते हैं, कैसी लोकसभा आपकी होनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से आपने पहले एक दो प्रश्न किए हैं, तो उसमें सबसे गंभीर चीज़ें जो हैं वो है नशे की, नशे को दूर करने की बात है। यस। तो उसके अलावा शिक्षा की जो बात है, स्कूल अपग्रेड करने की बात है, सड़कों, कहीं कहीं सड़कों की, गांव में सड़कों की, गलियों की समस्या है, और फिर जिस प्रकार से रोजगार के अंदर, तो जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों के अंदर तो स्वच्छ और पारदर्शिता हरियाणा के अंदर है, तो इसमें जिस प्रकार से अपना क्षेत्र है उसमें जैसी भी समस्याएं अपने सामने आती हैं, अभी संगठन अपने को जिम्मेवारी देता है और उससे पहले भी हम उस प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं। दूसरा, हम बात करते हैं जब यात्रा करनी होती है तो मौत का दावा देनी पड़ती है, इस बारे में भी कुछ प्लानिंग की आपने कि आपकी लोकसभा में आता है? हाँ जी, जिस प्रकार से अपना मोरनी का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और उसमें आती है समस्या अभी भी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे डंगे नहीं लगे हुए, तो ऐसा अपना प्रयास रहेगा आने वाले समय में भी कि जनता की सुरक्षा के लिए सड़कों की, जैसे आपने बात करी है, तो उसमें अधिक से अधिक उनको सुविधा मिले, कोई नई सड़क बननी है, कोई रिपेयर होनी है, तो वो जैसे जैसे हम, अब जैसे यहाँ से हम चलें साहा की ओर, साहा से कालपी की ओर, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सड़कों के किनारे जो शोल्डर फॉर्मेशन होती है उसकी डेप्थ काफ़ी थी, मोटरसाइकिल वाला गिर जाता था, तो मैंने नेशनल हाईवे के अधिकारी से बात कर उनसे निवेदन किया, उस समय ये बाहर का बाईपास बन रहा था, तो उन्होंने 3 दिन के अंदर वहाँ पर मिट्टी गिरवा दी। तो ये हमारा एक कर्तव्य है और इसको हम निभाते रहते हैं। दूसरा, जो स्कूलों में टीचर, क्या ये भी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि एक अच्छा स्कूल हो, अच्छे टीचर हो और बढ़िया से बढ़िया लोगों को फैसिलिटी मिले? जी हाँ, देखिए, इस बारे में क्या कहेंगे? जिस प्रकार से मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव में गए हैं, तो गांव में तो वैसे निरंतर जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया वहाँ पर कार्यक्रमों में, तो वो देखकर अचंभा लगा हमें कि गाँव के बच्चों का किस प्रकार से एक जबरदस्त रूप से विकास हुआ है, उनकी प्रतिभा निखर कर गई है। तो ऐसा मान लो हमारी जो शिक्षा नीति है प्रदेश की, उसकी वजह से पिछले 10 सालों के अंदर एक अपने को बहुत भरपूर रिजल्ट मिला है। तो आने वाले समय में भी जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने प्रयासों में रहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़े, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का स्तर बढ़े, बच्चों में प्रतिभाएँ बढ़ाई जाएँ, फ्री उन्होंने 5 लाख टैब भी बांटे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें बढ़ोतरी कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज अपने आप को महफूज नहीं मानती, घर से निकलती है तो कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपके लोकसभा की बेटियां होनी चाहिए, कैसे लोकसभा से बेटियां अपना नाम रोशन करें? देखिए, आज से पहले जो सामाजिक असुरक्षा की भावना थी वो एक बड़ा कड़वा विषय था, लेकिन जब से पिछले 10 वर्षों से प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सामाजिक सुरक्षा की बात में जबरदस्त परिवर्तन आया है। आज असुरक्षा की भावना नहीं है, आज रात को भी हम देखते हैं कि शहरों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में भी इस प्रकार की यदा कदा कहीं घटना सामने आती है, असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी, घटनाएं ऐसी है जो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं जी, कि जहां पर बेटियों का शोषण होता है, बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाता, ऐसे जैसे आप भी युवा है, युवा अगर आवाज उठाते हैं, अपनी लोकसभा को चमकाने का कार्य करते हैं, अपनी लोकसभा को सुरक्षित रखने का काम करते हैं,
ऐसी बेटियों के लिए, बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए हमारा लोकसभा में कानून व्यवस्था? देखिए, उनके उनकी सुरक्षा को लेकर जो हमारी संवेदनशीलता है वो उच्च स्तर पर है। उनकी सुरक्षा को लेकर हम किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी बढ़ोतरी को लेकर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। ना ही अब से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ है, और हम मतलब प्रतिबद्ध हैं उनकी सुरक्षा के लिए। अरुण जी, सवाल थोड़ा कड़वा है, पर मैं आपको बताइए, में ऐसे से अपराध हो रहे हैं जो महिला को सरेआम पीटा जाता है और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, एक्शन नहीं लेता और कानून को ठेंगा दिखाता है। जब कानून का शब्द आता है तो उसको ठेंगा दिखाया जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो राजनीति में बैठे हैं, अपनी सत्ता की आड़ में ऐसा घिनौना अपराध करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप नहीं, हम उनका जबरदस्त रूप से विरोध करते हैं और अपनी सरकार के माध्यम से हम ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का आग्रह भी करते हैं। और अपनी विधानसभा जो लोकसभा है, आपकी लोकसभा में कितनी विधानसभा आती है? 9 विधानसभा आती है। सभी का सर्वे कर लिया आपने, देख लिया कुछ समस्या है के माध्यम से आप हरियाणा की सरकार तक और देश के प्रधानमंत्री तक जाते हैं? समस्या तो रहती है कहीं, जैसे कि आपने मोरनी की ही बात करी, मैं भी आपसे अभी उसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं PPID की, लोग आज दर्द के लोग दिखाने को मिलते हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी, फैमिली आईडी की जो बात है, परिवार पहचान पत्र की, उसमें अभी जिस प्रकार से हम गए हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा लगी है, यात्रा चली है, तो उसमें भी जो वो काउंटर लगे हैं उसके माध्यम से बहुत से परिवारों फैमिली आईडी ठीक करने का कार्य हुआ है, और उसमें अभी पहले से अधिक उसमें कार्य हो रहा है उसको ठीक करने के बारे में। अच्छा, टोटल आप लगभग 20 लाख के करीब वोट, वही मतलब मतदाता जो है, इसमें बेटियों की संख्या ज्यादा है कम है पहले से? नहीं, पहले से बढ़ोतरी हुई है या कम हुई है? देखिए, पूरे देश में जिस समय आदरणीय मोदी जी ने पदभार संभाला उसमें 1000 के पीछे 830 के करीब लड़कियों की संख्या थी, आज 1000 के ऊपर 1020 की संख्या है पूरे देश के अंदर। बूथ कितने हैं पूरी लोकसभा में आपकी? हमारे यहाँ लगभग 2000 के करीब बूथ हैं। 2000 के करीब बूथ हैं, सभी बूथ मजबूत हो चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं कसर अभी रहती है? नहीं, हम कभी भी उस बात से संतुष्ट नहीं होते, हम हमेशा आगे उसकी मजबूती की ओर बढ़ते रहते हैं। विपक्ष को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो आज राम मंदिर पर अड़चने पैदा कर रहे हैं? आज विपक्ष सवाल उठाता है, हम आपके संज्ञान में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप एक पार्टी का हिस्सा हो, ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि शिक्षा की जगह आज मंदिरों को मान्यता दी जा रही है, क्या आपका मत रहेगा, आपकी राय क्या है, एक शिक्षा जरूरी है या मंदिर जरूरी है? देखिए, शिक्षा और मंदिरों, शिक्षा और मंदिर की जो कंबाइन करने की बात कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। शिक्षा अपने स्थान पर है, शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है, मंदिर भी हमारे, मंदिर मस्जिद सभी गुरुद्वारे हमें हमारे धर्म का अंग हैं, वो हमारे पूजा स्थल हैं, तो उसको मिलाना है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब मंदिर तैयार होता है तो वहाँ पर भिखारी तैयार होते हैं, और जब शिक्षा की बात आती है, स्कूल तैयार होता है तो वहाँ पर एक शिक्षा ग्रहण करके बच्चा चमक के बाहर निकलता है, वो IPS भी बनता है और एक नेता भी बनता है, इस बारे में बताइए। देखिए, जो मंदिर हैं वो मंदिर जहाँ बनते हैं वो जन भावनाओं का एक परिणाम होते हैं, जन भावनाएं उनसे जुड़ी होती हैं, जिस प्रकार से सैकड़ों सालों से जुड़ी हुई थी। आज भारत 1990 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया, राम मंदिर के मुद्दे को, और उसके बाद से लगातार संघर्ष चलता रहा। विपक्ष तो ये भी कहता है कि राम मंदिर जहां बनाना चाहिए था वहां मंदिर नहीं बना रहा है, वहां से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया जा रहा है, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जब इस पर निर्णय हो रहा था तब विपक्ष ने अपनी बात नहीं रखी, अभी वो जब मंदिर बन गया है तो उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे जो विपक्ष ऐसे सवाल करते हैं, क्या सही है? देखिए, विपक्ष हमारी बात सुनता नहीं है, आदरणीय मोदी जी की बात सुनता नहीं है, वो केवल आज जनता से कटे हुआ है विपक्ष। आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा है कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, तो ये एक जनता की जन जन की भावनाओं का अनादर है, तो विपक्ष से तो मैं यही कहना चाहूंगा, जनता की भावनाओं का आदर करें। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।